बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज एक और ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं आज बहुत ही मज़े का मायो रोल बना रही हूँ। मायो रोल, चटनी रोल, बारबेक्यू रोल, ये आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खा रहे हैं। इतने ऑर्डर दे दे के बाहर से मंगाते हैं तो ऑनलाइन मंगाते हैं। इससे बेहतर है कि आप लोग अपने घर में बनाएं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स से जो है ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो मैंने ये एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा जो है चिकन क्यूब्स में ले ली है, बोनलेस चिकन है ये। और इसके अंदर मैं जो हूँ 2 टेबल स्पून जो है दही डालूँगी और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून जो है रेड वाली मिर्च डालूँगी और ये काला नमक डालूँगी 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से ये सब इसके अंदर जाएगा। और जो है थोड़ा सा जो है मैं इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जो है चिकन पाउडर डालूँगी और लीमू डाल लें या सिरका डाल लें, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून लीमू या सिरका डालती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखें, खूब अच्छी तरह से मैं जो हूँ इसको मिक्स कर लूँगी। सिरका भी डाल दिया मैंने और थोड़ी सी जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी मैंने ताकि कलर इसका अच्छा आ जाए। और ये मैं जो हूँ 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी कि ज़बरदस्त से मायो रोल कैसे तैयार होते हैं। मायो रोल के लिए जो है सॉस तैयार कर रहे हैं। 1 कप भर के हमने जो है मायनीज़ ले ली और उसमें जो है हम ये डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून दही डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के जो है काला नमक डालेंगे। काले नमक का फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और ये जो है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालेंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्त सॉस हमारा जो है तैयार हो गया है। सॉस आप जितना अच्छा बनाएंगे तो मायो रोल जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। फ्लेवर जो है उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मायो रोल में जो सॉस रहता है उसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा मज़े का। ज़रा सा बनाइए, गार्लिक जो है इसमें ज़रा ज़्यादा डालें, उससे जो है सॉस में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। हमारा सॉस तैयार हो चुका है। पैन में हमने ऑयल लिया और ये मैरिनेट की हुई हमारी चिकन है, 2 से 3 घंटे हमने इसको रख दिया इसको। अब जो है हम इसके अंदर डाल देंगे हमने डाल दी इसके अंदर और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए हमारी चिकन तैयार हो रही है अभी। हमारा पराठा जो है तैयार हो रहा है। जितने भी दिल चाहे आप पराठे बना लें, पराठे तो सबको बनाने आते ही हैं, तो ये मैंने पराठा जो है बनाने के लिए रख दिया है। तैयार हो रहा है हमारा पराठा, 3-4 जितने भी आपको पराठे बनाने, मायो रोल जो है इस तरह से आप बना लेंगे, पराठा बनाएंगे उसके बाद। अब तो फिर देखिए हमारा पराठा जो है तैयार हो गया है। अब उसके ऊपर हमने सलाद पत्ता रख दिया और उसके बाद जो हमने ये सॉस तैयार की थी ये डालेंगे थोड़ी सी। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे। इसके बाद ये जो हमने चिकन तैयार कर लिया है रखेंगे। हमारा जो है चिकन मायो रोल जो है तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है।
और अब हम चिकन चटनी रोल बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं चिकन चटनी रोल। अगर आप सलाद पत्ता रखना चाहें तो रखिएगा, और अगर ना रखना चाहें तो नहीं रखिएगा। इसमें जो है हमने बड़ी ज़बरदस्त जो अनारदाने की चटनी बना के रखी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये डालेंगे। पीसेस भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मजे के और बहुत ही जबरदस्त से जो है हमारे चिकन चटनी रोल और चिकन जो है मायो रोल तैयार हो चुके हैं। बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। अपने हाथ से होममेड जो तैयार करके देंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे बहुत खुश होंगे, बल्कि बड़े भी बहुत खुश होंगे। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करें।